नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर नेट फ्यूचर एड प्रो के बारे में। फ्यूचर एड प्रो क्या है, इसका कंपनसेशन प्लान क्या है। अभी फ्यूचर एड प्रो का वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ है, जो नए यूज़र हैं उनको हम बता दें। फ्यूचर एड प्रो का नया वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ है और अभी इनका सर्वर चेंज हुआ है, माइक्रोसाइट सर्वर सर्विसेस में इनका पूरा का पूरा जो डाटा वो माइग्रेट हुआ है। तो इसका जो नया प्लान है उसमें कुछ चेंजेज है, तो जो पुराना जो इनका प्लान था उसमें कुछ चेंजेज इन्होंने किए हैं, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्यूचर एड प्रो का जो नया मार्केटिंग प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, वो किस तरह से काम करेगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर एड प्रो क्या है। बेसिकली दोस्तों, फ्यूचर एड प्रो एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर आप अपने किसी भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी लिंक को आप प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी जेन्युइन बिजनेस जो आपका है, अगर आपको मार्केटिंग करनी है अपने बिजनेस की, तो यहाँ पे आप व्यूज़ ले सकते हैं, व्यूज़, ठीक है। आप अपने लिंक को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्यूचर एड प्रो का जो कंसेप्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है उसके कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। इसके ऑलरेडी 54 लाख के आसपास लोग अभी रजिस्टर्ड हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं। 5.4 मिलियन पीपल अराउंड 190 कंट्रीज़, 190 कंट्रीज़ में अप्रोक्सीमेट 54 लाख के आसपास, 54 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। और जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोविंग एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है, फ्यूचर एड प्रो का। तो एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ यहाँ पे आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट जितने भी बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स हैं वो अपने प्रोग्राम के एडवर्टाइजमेंट फ्यूचर एड प्रो के माध्यम से करवाते हैं। और यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कुछ एड पैक्स हैं वो बाई करने होते हैं, बदले में आपको पर डे 10 से 16 ऐड देखने होते हैं एज़ पर योर एड पैक्स, ठीक है। और आपको बदले में व्यू मिलते हैं। दो पैकेज होते हैं इसमें, $50 और एक $10 का, ठीक है। $50 वाले पैकेज के ऊपर आपको 800 व्यू मिलेंगे और जो वैलिडिटी पीरियड है वो 120 डेज की है। और $10 वाले जो पैकेज है उसके ऊपर आपको 160 व्यूज मिलेंगे, यानी कि 120 दिन में आपको $10 का पैक अगर आप बाई करते हैं तो आपका जो वेबसाइट है, जो भी बिजनेस है, उसको 120 दिन में 160 लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ट्रैफिक एक्सचेंज का माध्यम है, जहाँ पे जो भी वेबसाइट का इंटरनल ट्रैफिक एक्सचेंज होता है आप किसी भी कंट्री का ट्रैफिक ले सकते हैं। और अगर आप $50 का पैकेज खरीदेंगे वहाँ पे आपको 800 व्यू मिलेंगे, यानी कि 120 दिन में 800 लोग हैं आपकी जो साइट है, जो भी आपने प्रमोशन किया है, एडवर्टाइजमेंट जिसके चाह रहे हैं उसको लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान के बारे में जो है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो नई वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है, इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या दिखाया गया वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इनका अलग से मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में सब कुछ दिया गया है। तो इस तरह की जो वेबसाइट का जो होम पेज है वो यहाँ पे है। ऊपर आप देख रहे हैं टोटल वॉच एड्स, ठीक है, और राइट साइड में नॉट क्वालिफाइड येट, यानी कि आपके जो एड पैक है उसके अनुसार आपको पर डे में 10, 12, 16, 20 इस तरह से आपको ऐड देखनी होगी। सेंटर में जो माई एड पैक है 50 FND का मतलब ये है फ्यूचर नेट डॉलर FND इक्वल टू $1, एक FND $1 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल राइट कोर में फ्यूचर एड प्रो का जो अकाउंट है वहाँ पे आपकी अर्निंग रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में माई टीम देख सकते हैं आप। क्वालिफिकेशन में ये नए प्रकार का क्वालिफिकेशन, इसका बिजनेस के हिसाब से आपका क्वार्टरली यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कुछ टाइटल आपको मिलेगा, वो आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तब पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड में इससे रिलेटेड डैशबोर्ड है, माई प्रोफाइल है, एडवर्टाइजमेंट, माई एड पैक्स, लैंडिंग पेज और बिजनेस, ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग प्लान के बारे में।
मल्टी लेवल मार्केटिंग व्हाट इज़ MLM, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में फ्यूचर एड प्रो की जो इंडस्ट्री है, फ्यूचर नेट की तरफ से बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। जो भी टोटल सोशल मीडिया का जो मोनेटाइजेशन हो रहा है, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप यूज़ करते हैं, जस्ट एग्जांपल फेसबुक, वहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं और वहाँ से फेसबुक जो भी एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका 1% भी अपने यूज़र में शेयर नहीं करती कभी भी। तो फ्यूचर नेट क्या है, अगर सेम प्लेटफॉर्म हम फ्यूचर नेट यूज़ करेंगे तो वहाँ से हमें एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस अर्निंग की अपॉर्चुनिटी का फ्यूचर एड प्रो एक पार्ट है। यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं, आप एक टीम से 4 से 5 प्लेटफॉर्म पे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनका आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म फेसबुक की तरह, तो वो वहाँ पर भी आपको कुछ मीडिया पॉइंट्स अर्निंग के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी चीज़ हम फेसबुक के ऊपर करते हैं, सेम चीज़ वहाँ पर करेंगे। और इससे ज़्यादा अगर आपको अर्निंग चाहिए तो फ्यूचर एड ब्रो का एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और डेली ROI आपको यहाँ पे मिलेगी एज़ पर योर पैकेज 0.8 से 0.9% के बीच अप्रोक्सीमेटली। आप इनका जो बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी कोई एड पैक आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आप इनका एक शेयर खरीदते हैं जिसको बोलते हैं रेव शेयर। तो रेव शेयर के कंसेप्ट पे ये काम करता है और काफ़ी अच्छा इसका कंपनसेशन प्लान है, तो उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। एड पैक्स, बेसिकली एड पैक्स क्या होता है दोस्तों, एड पैक्स का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट पैक्स। हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं, बेसिकली रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता और अपना बिजनेस का प्रमोशन तो हो जाता है लेकिन हमारी डेली की अर्निंग्स वगैरह नहीं होती। यहाँ पे आपको दो तरह की इनकम होती है। एड पैक्स आप बाई करेंगे, बेसिकली आप एड पैक्स जो बाई कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए व्यूज़ बाई कर रहे हो आप, ठीक है। एक तो आपने अपने व्यूज़ बाई कर लिए, नंबर दो आप जो व्यूज़ बाई कर रहे हो बदले में कंपनी आपको 10 ऐड देखने के लिए बोलेगी एक दिन में एज पर योर एड पैक। 10 भी हो सकता है, 12, 16, 20, इस तरह से आपके एड पैक के अनुसार आपको कुछ ऐड देखनी होगी। जैसा कि और भी जो इंटरनेशनली बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अपने प्रोग्राम के जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनके वेबसाइट्स के लिंक होते हैं, जेन्युइन लिंक होते हैं, तो उनको आपको देखना होता है। इसी तरह से आपके जो लिंक को और लोग देखेंगे अलग अलग कंट्री से। तो एड पैक, एक एड पैक होता है $10 का, एक होता है $50 का। $10 वाले एड पैक पे आपको 160 व्यू मिलते हैं और $50 वाले एड पैक के ऊपर आपको 800 व्यू मिलते हैं। यानी कि 800 व्यू का मतलब ये है कि आपने एक लिंक को प्रमोट किया तो वो आपका एक लिंक है, उसको 800 व्यू मिलेंगे, 800 बार लोग क्लिक करेंगे 120 दिन के अंदर, कन्फर्म है, ठीक है। एक ऐड पैक के ऊपर अकॉर्डिंगली 10 ऐड के पैक के ऊपर 160 व्यू। ये तो हो गया ऐड पैक के बारे में, आपने खरीदा आपको व्यू मिल गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बदले में आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर दे रखी है, बदले में आपको कंपनी ये बोलती है आपको डेली 10 ऐड देखनी है मिनिमम। जैसे आप 10 ऐड देखेंगे तो आप डेली ROI के लिए क्वालिफिकेशन गेन कर जाएंगे, यानी कि डेली ROI लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 0.8 से 0.9%, कभी 0.7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली जो कंपनी का रेव शेयर का जो पुल है उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से वो कंपनी अर्निंग शेयर करती है, दिन में 2 बार आपको शेयर करेगी, ठीक है, 24 घंटे में 2 बार। पुराने प्लेटफॉर्म में ज़्यादा था, हर 15 मिनट में था, लेकिन नए प्लेटफॉर्म में आपको एक दिन में 2 बार अर्निंग मिलेगी, ठीक है, कन्फर्म यहाँ तक। और जो स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लान की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, कंपनी यहाँ पे आपको क्या कर रही है, जैसे फर्स्ट पर्सन है ए के नीचे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आ गई, फिर एक के नीचे दूसरी स्ट्रक्चर ये आ गई, जो पहले वाली जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे लेवल 1, नीचे वाली लेवल 2। तो यहाँ पर कंपनी आपको 10 लेवल तक का लेवल बोनस दे रही है 1% फ्रॉम ईच लेवल। तो इसके कंपनसेशन प्लान में अगर आप सेम जो सिस्टम है वो डुप्लीकेट करते हैं अपने डाउनलाइन में, किसी को ज्वाइन करते हैं, किसी बिजनेसमैन को एडवर्टाइजमेंट जिसको प्रमोट करना हो, तो वो फर्स्ट लेवल पे माना जाएगा और उसके नीचे की जो टीम है वो सेकंड लेवल पे मानी जाएगी। तो बदले में आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर का आपको 1% मिलेगा हर लेवल से, ठीक है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो ए का डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर बी, वो फर्स्ट लेवल पे दिखा रखा है और बी के डिस्ट्रीब्यूटर जो नीचे दिखा रखे हैं वो सेकंड लेवल पे, ठीक है। इस तरह से आपका लेवल ए और लेवल बी ये अलग अलग 2 लेवल माने जाएंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और हर लेवल से आपका जो कमीशन है वो 1% आपको कंपनी देगी, ठीक है।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे दोस्तों समझने के लिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टेटस, स्टेटस इन फ्यूचर एड प्रो, ठीक है। तो फ्यूचर एड प्रो का जो स्टेटस है उसमें बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी ने 5 स्टेटस डिफाइन किए हैं। स्टेटस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट स्टेटस में नंबर ऑफ डायरेक्ट कस्टमर विद एक्टिव एड पैक। अगर आपका कोई एक डायरेक्ट स्पॉन्सर है, किसी एक को ये बिजनेस आप डुप्लीकेट करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, तो उसको वन डायरेक्ट कस्टमर बोला जाएगा, वो फर्स्ट लेवल पे होगा। स्टेटस टू पोजीशन उसको बोलेंगे जिसमें आपके 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे। स्टेटस थ्री में आपके 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर रहेंगे। स्टेटस फोर, स्टेटस फाइव। स्टेटस थ्री में आपको जो लेवल इनकम है वो 3 कस्टमर्स डायरेक्ट स्पॉन्सर की मिलेगी, 1-1% फ्रॉम ईच। और स्टेटस फोर में 4 की मिलेगी, स्टेटस फाइव में 5 की। तो ये 5 स्टेटस लेवल बना रखे अकॉर्डिंग टू स्टेटस। फर्स्ट में आपको लेवल की इनकम मिलेगी जैसे 2 लेवल, स्टेटस सेकंड में 4, स्टेटस थ्री में 6, फिर 8, फिर 10। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज पर स्टेटस। स्टेटस फाइव में 10 लेवल तक की इनकम लेने के लिए आपको मिनिमम 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। स्टेटस फाइव में आपको 10 लेवल तक की इनकम मिलेगी तो मिनिमम 5। इस तरह से स्टेटस फोर में 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर आपको मिनिमम करने पड़ेंगे, तो उसमें आपको 8 लेवल तक की इनकम मिलेगी, जिसको बोलते हैं लेवल बोनस, ठीक है, जैसा कि आगे दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये बताई गई है कि जैसे ही आपने एड पैक ख़रीदा उसके 7 दिन तक आपको ऐड देखना है, और 7 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट प्लेस करनी है। ये कंपनी की गाइडलाइन है। जैसे आप एड पैक बाई करते हैं तो 1 वीक के अंदर आपको अपना बिजनेस का कोई भी लिंक वहाँ पे प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब का चैनल लिंक हो, चाहे कोई आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, घर का बिजनेस हो, कुछ भी एनीथिंग, या कंपनी का ऐड भी आप प्रमोट यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपने 24 घंटे के अंदर कोई भी ऐड नहीं देखी तो आपको उस दिन का कमीशन नहीं मिलेगा। इनकी जो 10 ऐड मिनिमम है वो आप देखनी पड़ती हैं एज पर योर ऐड पैक्स। तो अगर आपने 1 महीने तक भी वो ऐड नहीं देखी तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्टिव नहीं मानी जाएगी, और आपका ऐड पैक वो है ख़त्म हो जाएगा। अगर 1 महीने तक आपने यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की, लॉगिन नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, या डेली जो एड्स देखते हैं वो नहीं देखा, तो आपका अकाउंट जो एड पैक की अर्निंग है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। तो बिजनेस इसका जो मॉड्यूल समझने से पहले आपको इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन समझने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है स्टेटस इन फ्यूचर एड प्रो। तो हम स्टेटस की बात कर रहे थे दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले स्लाइड में डिस्कस कर रहा था, ये 5 स्टेटस हैं। तो आपको समझने के लिए स्टेटस फर्स्ट में 1 डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए। स्टेटस टू की इनकम में 4 लेवल तक की इनकम है, आपके 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए। स्टेटस थ्री 6 लेवल तक की इनकम लेने के लिए आपके 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए। स्टेटस फोर में 8 लेवल तक की इनकम मिलेगी तो 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर मिनिमम होने चाहिए। और स्टेटस फाइव में 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए आपके, 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर, तब आपको 10 लेवल तक की इनकम मिलेगी, और हर लेवल से 1-1% आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो लेवल इनकम है और जो स्टेटस है एज पर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है इसमें किस तरह से आपको लेवल इनकम मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे फ्यूचर एड प्रो में जो स्टेटस 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको गेन करनी पड़ेगी। क्वार्टरली वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि 1 जनवरी से 31 मार्च, फिर अप्रैल से 30 जून, जुलाई से 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। इसमें क्या है कि आपको पर क्वार्टरली आप किस लेवल पे काम कर रहे हो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी, नाम दिया जाएगा कुछ, ठीक है, आपका लेवल का नाम कि आप इस लेवल पे हो, आपका स्टेटस ये है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसमें कुछ रिवार्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे एज़ पर योर बिजनेस, ठीक है। फ्यूचर एड प्रो सब्सक्रिप्शन परचेज एंड टाइप्स। तो दोस्तों ये नेक्स्ट चीज़ है इस कंपनसेशन प्लान की जो कि आपको समझने के लिए बहुत
आवश्यकता है इसमें। सबसे पहले तो फी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट मीडियम एक्स्ट्रा, पहले जो पुराना जो कंसेप्ट था उसमें क्या था, लेवल इनकम लेने के लिए आपको मंथली कुछ फीस कंपनी को देनी पड़ती थी, तब आपको उस लेवल की इनकम मिलती थी, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। तो यहाँ पे कंपनी ने वो पुराना जो कंसेप्ट का जो था वो हटा दिया है, तो उसके बदले यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपके मिनिमम आपने 5 ऐड पैक खरीदे, ठीक है, $10 के, और 50 डॉलर के ऐड पे खरीदे 20, तो यहाँ पे फ्री है, ठीक है, कुछ नहीं आपको देना। सेकंड, अगर आपके ऐड पैक्स हो गए 40-50 डॉलर के, तो यहाँ पे आपको 6 महीने में कंपनी को आपको $16 देने पड़ेंगे, 1 साल का $30 का फीस है, यानी कि 40 ऐड पैक होते ही आपको उन ऐड पैक का कमीशन लेने के लिए 1 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसी तरह 120 ऐड पैक अगर आपके हो गए तो आपको पर मंथ $8, 6 महीने में 45, साल में $80 देना पड़ेगा उनका कमीशन लेने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है 200 ऐड पैक अगर $50 वाले आपके हो गए, तो वहाँ पे आपको $12 पर मंथ का है, $70 6 महीने का है, और $130 1 साल की फ़ीस है, वो देनी पड़ेगी कंपनी को। अगर आपके ऐड पैक हो गए 400, जो कि लिमिट है कंपनी का, जो लिमिट है वो 400 ऐड पैक है, यहाँ पे मैक्सिमम आप 400 ऐड पैक खरीद सकते हैं, और उस 400 ऐड पैक का कमीशन लेने के लिए और ROI लेने के लिए आपको पर डे $16, 6 महीने में एक बार $95, और $180 पर ईयर देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 400 ऐड पैक खरीद सकते हैं, पुराने सिस्टम में 1000 ऐड पैक था, जो कि कंपनी ने चेंज कर दिया, 400 ऐड पैक आप खरीद सकते हैं, और आपकी जो डाउनलाइन टीम होगी उसमें भी आपको 400 ऐड पैक तक का ही कमीशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बेसिकली ये एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है, तो जो पुराना जो कंसेप्ट था उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर आ गए थे, और उसमें एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी नहीं था। तो नए जो कंसेप्ट है, नया जो एड प्रो का प्रोग्राम है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए कंपनी ने कुछ चीज़ें चेंज किए, और कमीशन लेवल आपका 10 लेवल तक बढ़ाया, पहले 5 लेवल तक था, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब आपका डाउट होगा कि आपको कितने ऐड देखने हैं एक दिन में। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ ऐड पैक यहाँ पे दिखाया गया है, 1 से 20 ऐड पैक, 21 से 40, 41 से 120, 121 से 200, और 201 से 400, ये 5 स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट वाले में आपको, अगर आपके पास 1 से 20 ऐड पैक है, तो आपको डेली 24 घंटे में एक बार 10 ऐड देखने हैं। अगर आपके ऐड पैक 21 से 40 हैं, तो आपको 12 ऐड्स देखने हैं एक दिन में। 41 से 120 ऐड पैक आपके पास, तो 14 ऐड देखनी है, और 121 से 200 हैं तो 16 ऐड है, और 201 से 400 ऐड पैक आपके पास हैं, तो आपको 20 ऐड एक दिन में देखनी है, ठीक है। इस तरह से ये कंसेप्ट काम करेगा, तो आपको जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस एंड गाइडलाइंस है वो यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक घर से आपको एक ही अकाउंट लगाना है, चाहे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी का भी हो, एक ही, ठीक है। मल्टीपल आईडी आप फ्यूचर एड प्रो में नहीं लगा सकते, एक ही घर से एक ही आईडी, बाकायदा उसका वेरिफिकेशन होगा, और आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, और एक एरिया के जो आधार कार्ड अगर कंपनी को मिल गए एक ही घर से, तो कंपनी आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देगी सेम मोमेंट पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए एक घर से एक ही आईडी यूज़ करें, ठीक है, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कंपनी की। नेक्स्ट वही सेम है इसमें, ठीक है, इसमें बताया गया है कि 24 आवर्स में आपको एक बार ऐड देखना है, ठीक है। जैसे आप एक बार ऐड पैक 24 घंटे में एक बार ऐड्स देख लेंगे, 10 ऐड या 12 ऐड जो भी, एज़ पर योर ऐड पैक्स, आपको दिन में जो 2 बार इनकम मिलेगी उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, दिन में 2 बार। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपने एड पैक बाय कर लिया, और 7 दिन के अंदर आपने कोई भी एड नहीं देखी या कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, तो आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा,
एज ए आप अपने आप को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। अगर 30 दिन के अंदर आपने डेट ऑफ परचेज के 30 दिन तक आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, या आपने रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एडपैक्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में। जो मेन मेन चीज़ें थी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं दोस्तों, और आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स भी यहाँ पे करना पड़ेगा इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको अपने मोबाइल, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल पे कोड आएगा, इस तरह की सेटिंग्स आपको करनी है, या गूगल ऑथेंटिकेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लॉगिन करोगे, पासवर्ड करोगे, पासवर्ड के बाद भी एक कोड आएगा 6 डिजिट का। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स इसमें काफ़ी हाई लेवल की है, तो आप जब अकाउंट बनाएं अपना, अकाउंट के साथ ही आपको अकाउंट का वेरीफाई करवाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी है वो आप कर सकते हैं। और सिक्योरिटी सेटिंग्स का जो नया वीडियो है वो हमारे आप चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हैं कैसे सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर एड प्रो का जो मार्केटिंग प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप नए यूज़र हैं, हमारी टीम के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फ्यूचर नेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और फ्यूचर नेट की जो फुल सपोर्ट है वो आपको मिलेगी दोस्तों। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी एंड फ्यूचर नेट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।